रहेगा और आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम हर एक कायदा कानून और हक अधिकार अपने आसानी तरीके से ले सकते हैं। दोस्त, आप लोगों को यह बताएं कि हटा दिया जाए, हम लोगों का 16 साल हो गया मनरेगा मजदूरी के चलते जो नरेगा बना था, लेकिन अगर हमें 10% का फायदा मिल जाए दोस्त तो गरीब गरीब नहीं रहेगा। इकट्ठा होने का हमारा यही कारण था कि हमारे जो मनरेगा श्रमिक भाई हैं उनके साथ हनन और बिचौलिए पैसा खाते हैं, और जो 100 दिन का रोजगार का जो वादा था आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ है, जिसका पूरा हुआ है जो प्रधानों से सटे हैं। और मैं यही चाह रहा हूं कि उनको कम से कम 100 दिन का जो रोजगार जो वादा किया गया वो मिले और उनको उनकी मजदूरी सही टाइम से मिले, अगर नहीं मजदूरी मिले तो उनको बैठकी मिले यानी भत्ता मिले, और इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम उनको 200 दिन रोजगार मिले। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि मनरेगा जो श्रमिक हैं उनको 100 दिन के बजाय 200 दिन काम मिले, और मजदूरी उनकी इस समय 204 रुपया है, उस पर भी आप लोगों का कुछ विचार जी, है? जी जी जी, वही हम कह रहे हैं, कम से कम उनको 200 दिन काम मिले और 400 रुपये मजदूरी मिले और एक सप्ताह के भीतर उनकी मजदूरी मिल जाए। क्यों इस समय एक सप्ताह के भीतर उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है? अब आज ही देख लीजिए, जो भी मनरेगा जो मजदूर जो काम किया अभी तक पैसा नहीं आया है। अच्छा, कितना दिन हो गया लगभग? अभी मुझे लग रहा है आज महीनों हो गए हैं। एक एक महीने तक उनका श्रमिक नहीं आया है, जबकि राज्य सरकार ये चाहती है एक सप्ताह के अंदर उनका पेमेंट किया जाए, इस पर वो लगी हुई है। अब आपके साथ में कौन है राष्ट्रीय? ये हमारे जिला सचिव हैं, बस्ती जिला सचिव। सचिव महोदय, आप ये बताइए मजदूरों के बीच में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मजदूरों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है सर, कि लोग बागों को पहले जानकारी नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं इनको उतनी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और उस नॉलेज के लिए हमारा ये मनरेगा मजदूर संघ जानकारी सुझाव और उनके नियम कायदे कानून हक के बारे में अधिकार के बारे में ये सब कुछ उनको जागृत किया जा रहा है, क्योंकि